हेलो फ्रेंड्स जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है आज हम आपके लिए लेकर आए हैं प्रोटीन और एनर्जी से भरपूर तिल मूंगफली और नारियल के लड्डू की रेसिपी डेली और वीकेंड स्पेशल रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें इन लड्डुओं को बनाने के लिए सबसे पहले हम एक पेन में एड करेंगे एक कप तिल और गैस की फ्लेम को मीडियम रखेंगे मीडियम फ्लेम पर लगातार चलाते हुए तिल को तब तक रोस्ट करेंगे जब तक इसका कलर हल्का सा चेंज ना हो जाए तो देखिए तीन मिनट तक चलाते हुए हमने इसे मीडियम फ्लेम पर रोस्ट कर लिया है अब देख सकते हैं कि ये थोड़े फूलने लगे हैं और इसका कलर भी थोड़ा चेंज होने लगा है और इसमें से बढ़िया सी खुशबू भी आने लगी है तो इतना ही हम इसे रोस्ट करेंगे और गैस की फ्लेम को ऑफ़ करके इसे पेन में से निकाल लेंगे और रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा कर लेंगे अब उसी पेन में हम ऐड करेंगे ग्रेट किया हुआ सूखा नारियल तो हमने नारियल को ग्रेट करके सिर्फ एक कप जितनी क्वांटिटी यहाँ पर ली है और इसे भी हम लगातार चलाते हुए मीडियम फ्लेम पर रोस्ट करेंगे जब तक कि इसका कलर हल्का चेंज ना हो जाए देखिए आप यहाँ पर सूखे नारियल की जगह डेसिकेटेड कोकोनट यानी कि नारियल के बुरादे का इस्तेमाल भी कर सकते हैं तो इसका कलर हल्का चेंज होने तक हमने इसे मीडियम फ्लेम पर एक से डेढ़ मिनट के लिए रोस्ट कर लिया अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे भी पैन में से निकाल कर रूम टेम्परेचर पर ठंडा कर लेंगे अब एक मिक्सी के जार में ऐड कर देंगे एक कप भुने हुए और छीले हुए मूंगफली के दाने और इन्हें हम मिक्सी जार में दरदरा पीस लेंगे इसका फाइन पाउडर नहीं बनाएंगे तो आप देख सकते हैं कि हमने मूंगफली के दानों को इस तरह दरदरा पीस लिया है और हमने जो तिल रोस्ट करके रखे हुए हैं उसे हमने रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा कर लिया और उसे भी हमने मिक्सी जार में ट्रांसफ़र कर लिया है साथ ही में हमने जो सूखा नारियल रोस्ट करके रखा हुआ है उसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे तो दोनों चीज़ों को रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा कर लीजिएगा फिर मिक्सी जार में ऐड करके इसे दरदरा पीस लेंगे तो देखिए हमने तिल और नारियल को भी इस तरह मिक्सी जार में थोड़ा दरदरा ही पीसा है तो अब हम इन लड्डुओं के लिए गुड़ की चाशनी बनाएंगे इसलिए हमने यहाँ पर एक कप गुड़ लिया है वजन में ये तीन सौ ग्राम है और मीडियम फ्लेम पर इसे लगातार चलाते हुए पकाएंगे तो आपने देखा कि इन लड्डुओं को बनाने के लिए हमने ना ही चीनी का इस्तेमाल किया है और ना ही घी का तो प्रोटीन से भरपूर इन हेल्दी लड्डुओं की रेसिपी आप अपने घर पर ट्राई करें और हमारे साथ कमेंट बॉक्स में अपने एक्सपीरियंस शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें तो आप देख सकते हैं कि कुछ देर तक पकाने के बाद गुड़ अच्छे से मेल्ट हो चुका है तो मेल्ट होने के बाद भी हम इसे तब तक पकाएंगे जब तक इसमें से झाग ना बनने लगे तो एक से डेढ़ मिनट के लिए इसे और पका लेंगे तो देखिए इस तरह से गुड़ में जब झाग बनने लगे तब तक हम इसे पकाएंगे यानी कि गुड़ मेल्ट होने के बाद हमने इसे मीडियम फ्लेम पर दो मिनट के लिए और पका लिया है तो अब हम गैस की फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हमने जो मूंगफली के दाने दरदरे पीस कर रखे हुए हैं वो इसमें ऐड कर देंगे और दरदरे पीसे हुए सूखा नारियल और तिल ऐड कर देंगे तो गुड़ में जब अच्छे से झाग बनने लगे तब गैस की फ़्लेम को ऑफ़ करने के बाद ये दोनों चीज़ें ऐड कर दीजिएगा और फिर इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे तो आपने देखा कि इन लड्डुओं का मेज़रमेंट कितना परफेक्ट है तो हमने यहाँ पर मेज़रमेंट के लिए कप का इस्तेमाल किया है अगर आपके पास कप अवेलेबल ना हो तो आप किसी भी कटोरी को सेट कर लें तो हमने सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया है और तुरंत ही हम इसमें से लड्डू बनाएंगे अगर हमने इसे ठंडा कर लिया तो लड्डू नहीं बनेंगे ये जम जाएगा तो हाथों पर थोड़ा सा पानी लगा लेंगे और इसमें से थोड़ा सा पोर्शन लेकर इस तरह हाथों की मदद से इसके लड्डू बनाएंगे तो हम यहाँ पर मीडियम साइज़ के लड्डू बना रहे हैं आप थोड़ी बड़ी साइज़ के या फिर छोटी साइज के लड्डू भी बना सकते हैं प्रोटीन और एनर्जी से भरपूर इन लड्डुओं को आप किसी एयर टाइट कंटेनर में रखकर कर दो से तीन महीने तक स्टोर भी कर सकते हैं वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि ऐसी ही आसान रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलेंगे जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुड बाई